हिमाचल प्रदेश में सवर्ण आयोग की मांग को लेकर हिमाचल प्रदेश देवभूमि क्षत्रिय संगठन व क्षत्रिय मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रुमित सिंह ठाकुर ने प्रदेश के कांग्रेस व भाजपा नेताओं को चेतावनी दी है कि 3 महीने के भीतर हिमाचल प्रदेश में सामान्य वर्ग आयोग के गठन की प्रक्रिया में किसी भी प्रकार का रोड़ा डाला गया तो आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा व कांग्रेस के नेताओं को झंडे व डंडे उठाने वाले कार्यकर्ता नहीं मिलेंगे। नाहर में मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए रुमित सिंह ठाकुर ने कहा कि आजादी के बाद से सवर्ण समाज का व्यक्ति अनदेखी का शिकार है। उन्होंने कहा कि 90 दिन का अल्टीमेटम सरकार को दिया गया है तथा यदि निर्धारित अवधि में हिमाचल प्रदेश में सामान्य वर्ग आयोग के गठन की तमाम प्रक्रिया पूरी नहीं की गई तो अगले ही दिन हिमाचल प्रदेश के तमाम नेताओं का घेराव किया जाएगा। रुमित जी, जो हिंदू आपने जो हिमाचल प्रदेश में स्वर्ण आयोग का जो आपकी मुहिम चली इस पे जो आपको सफलता मिली है इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? जी, पूरे हिमाचल प्रदेश के देवभूमि क्षेत्रीय संगठन देवभूमि स्वर्ण मोर्चा की तरफ से पूरे हिमाचल प्रदेश के 62 लाख लोगों को बधाई देना चाहता हूँ। उन पूरे के पूरे अपने संगठन की टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। उन सारे वीर योद्धाओं को बहुत बधाई देना चाहता हूँ जो दिन रात हमारे साथ पदयात्रा में चले। और इस प्रेस के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से मैं सरकार को एक बात ये कह देना चाहता हूँ कि ये जो 3 महीने का समय अंतराल लिया गया है ये पूर्ण तरीके से लागू होना चाहिए। 1% भी इसमें कोई कमी नहीं बचनी चाहिए। अगर 1% भी आप लोग कमी छोड़ेंगे लठ लेकर हम तुम्हारे सामने खड़े भाजपा कांग्रेस वालों 68 विधायकों, तुमने 1% भी जो हामी नहीं भरी है और 50 सालों का हिसाब किताब अभी तुमसे हमने लेना है। ये जो स्वर्ण आयोग है ये तो पहली सीढ़ी है और दूसरी बात की जिस तरीके से पूरे हिमाचल प्रदेश में हम हमारे इस देवभूमि क्षेत्रीय संगठन देवभूमि स्वर्ण मोर्चा और साथ ही मेरे ऊपर और भाई मदन ठाकुर जी के नेतृत्व के ऊपर जो अपना विश्वास जताया है हमारे ऊपर, जो उन्होंने ट्रस्ट किया है, उसके लिए हम लोग इस आयोग की बनने की खुशी में हम लोग जल्दी ही 5 और 6 दिन के अंदर धन्यवाद यात्रा पूरे हिमाचल प्रदेश में निकालने वाले हैं। जहां जहां पर भी ये पद यात्रा गई थी, शव यात्रा जहां पर गई थी, वहां पर हर जगह लोगों का धन्यवाद करेंगे और जितनी और अन्य जगह लोग हैं जहां से लोगों ने हमें समर्थन दिया है हर जगह हम लोग इस धन्यवाद यात्रा को लेकर जाएंगे। बस आखिर में अंतिम शब्दों में आप सभी लोगों के मीडिया के माध्यम से प्रदेश की सरकार और उन 68 विधायकों को मैं बात कहना चाहता हूं कि अगर 1% भी तुमने अभी विरोध किया तो खामियाजा गंभीर तुम लोगों को भुगतने पड़ेंगे। और जो लोग विरोध में खड़े, जो लोग आयोग बनने का जो विरोध कर रहे हैं, उन लोगों को मैं बात सीधे शब्दों में कह देना चाहता हूं कि हमने कभी किसी का विरोध नहीं किया है और जब आज हमारे लिए आयोग बना है तो भैया विरोध मत करो। सीधे शब्दों में, जो एट्रोसिटी SC ST के दुकानदार हैं, तुम्हारे पेटों में दर्द है तो तुम्हारे पेट की दर्द का इलाज हम लोग करेंगे अच्छे तरीके से और अपने जो तुमने दुकानें चलाई उन दुकानों को बंद कर दो फटाफट, अगर नहीं करोगे तो हम कराएंगे। तो ज्यादा तो मैं तुम लोगों को कहूंगा नहीं क्योंकि आप लोगों ने, जो ये चुनिंदा लोग हैं, छोटे से दुकानदार हैं, इन्होंने बड़ा हमारे समाज को जगाने में अपना अहम भूमिका निभाई है तो मैं धन्यवाद भी करना चाहता हूं आप लोगों का। और साथ में सारे के सारे जितने अनुसूचित जाति समाज के लोग हैं उन लोगों ने हमें बहुत समर्थन दिया है, हमारा सहयोग किया है धन से, रोटी से, हमारे संख्या बल पे, तो उन सभी लोगों का भी मैं देवभूमि क्षेत्रीय संगठन देवभूमि स्वर्ण मोर्चा की तरफ से दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए नाहन से सूरत पुनीर की रिपोर्ट।